हेलो, माई सेल्फ योगेश गर्ग, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RP IIT Academics. इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. स्टूडेंट्स, हमने न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करा था. हमने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे. न्यूक्लियोटाइड्स क्या थे? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप. फिर हमने नाइट्रोजन बेस पढ़े, कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन्स, पिरामिडिन्स होते हैं और एडिनिन, गुआनिन, साइटोसाइन, थायमिन, यूरेसिल ये होते हैं. शुगर पढ़ी थी हमने, पेंटोज शुगर होती है और जो पेंटोज है वो भी राइबोज शुगर होती है. राइबोज जो RNA है उसमें राइबोज, ऑक्सीजन और DNA में डीऑक्सी राइबोज. सेकेंड पोजिशन पे से ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है और फॉस्फेट ग्रुप. अब हमें पढ़ेंगे उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर कि जब ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनता कैसे है. देखो, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़ अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को ही हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है. न्यूक्लियोटाइड इज़ अ न्यूक्लिक एसिड आर जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. जो ये किससे जॉइन होता है? हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा. द 3' OH ग्रुप ऑफ द शुगर इन वन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स एन एस्टर बॉन्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द ऑन द 5' carbon ऑफ द शुगर ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड. ये जो 3' है, या 3' हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो हमारा कार्बन एटम होता है शुगर का, डिफ्रेंशिएट करने के लिए नाइट्रोजन बेस और शुगर में जो शुगर वाले होते हैं उनको प्राइम से डिनोट कर देते हैं. तो ये क्या कह रहा है? देखो, हमारा ये जो फिगर है, एक साइड तो ये बेस अटैच हो गया, इसकी ये फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड, थर्ड. थर्ड का OH फ्री है, फोर्थ, फिफ्थ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है. तो ऐसे ही इसी के साथ एक और हमारा नाइट्रोजन बेस हो गया नीचे. इसमें जो फिफ्थ पोजीशन पे हमारा OH होता है और यहाँ पे इनमें क्या होता है? बॉन्ड बन जाता है. OH और OH ये मिलके बॉन्ड बनाते हैं और वाटर रिमूव हो जाता है. तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है एस्टर बॉन्ड बनता है हमारा. तो इस तरीके से हमारा जो होते हैं दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं और हमारे पास ये स्ट्रक्चर फॉर्म होती है. इसमें देखो, जो 5' एंड है वो फ्री हो गया. अब ऐसे ही 3' एंड नीचे फ्री होगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया. इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. रीडिंग कैसे करते हैं? जो रीडिंग होती है हमारी 5' टू 3'. देखो, द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर हैज़ अ फ्री 5' फॉस्फेट ग्रुप. क्योंकि हम हर बारी देखते हैं हमारा क्या हुआ, जितनी भी चेन बनती जाएगी उसका एक का तो 5' एंड फ्री होगा और एक का 3' एंड फ्री होगा. फ्री एट वन एंड एंड फ्री 3' OH ग्रुप एट द अदर एंड. और लास्ट एंड पे हमेशा 3' OH ग्रुप फ्री रहेगा. द सीक्वेंस इज रीड फ्रॉम द फ्री 5' एंड यूजिंग द लेटर ऑफ द बेसिस. और जो सीक्वेंस रीड करी जाती है वो 5' एंड से करी जाती है और उनका सीक्वेंस लेटर की तरह यूज़ करते हैं. जैसे ये ACGD ऐसे होती है. दिस एग्जाम्पल लीड्स 5' को ये इधर क्या था, फॉस्फेट ग्रुप 5' फ्री था तो ये हमारा 5' एंड हो गया. इधर 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फ्री था तो इधर 3' हो गया. तो क्या बन गया हमारा 5' ACGD ऐसे ही 3' एंड. सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है DNA का वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. उसके अंदर दो हमारे जो ये स्ट्रैंड होते हैं नाइट्रोजन बेस के आपस में अटैच होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. देखो, इन DNA देर आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दो स्ट्रैंड हो गए न्यूक्लियोटाइड के डेट वाइंड टुगेदर इन ए डबल हेलिक्स. और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं डबल हेलिक्स में. द स्ट्रैंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन. जो स्ट्रैंड है वो रन कहाँ करता है? अपोजिट डायरेक्शन में. दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. द बेस आर अरेंज इन अ स्टेप लाइक पेयर्स. देखो, अपोजिट का मतलब है कि ये एक स्टैंड हो गया हमारा 5' एंड इधर, 3' एंड इधर. जो दूसरा होगा उसका 3' एंड इधर, 5' एंड इधर. दो स्टैंड हो गए और दोनों कैसे हो गए? अपोजिट हो गए एक दूसरे के. द बेसिस आर अरेंज इन स्टेप लाइक. अब बेसिस कैसे अटैच होंगे? इधर इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बने होंगे और ये बॉन्ड होंगे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड. द बेस पेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. और कैसे कैसे होगी पेयरिंग? ए की हमेशा टी से और जी की सी से. ए डबल बॉन्ड टी होता है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है. यानी कि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेंगे. ये ए टी से बाइंड होगा, जी सी से. द पेयरिंग ऑफ द बेस पेयर ऑफ टू स्टैंड्स इज वेरी स्पेसिफिक. और वो स्पेसिफिक होने का रीज़न ये है, द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आर ए टी जी सी. द टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन A and T and 3 hydrogen bond between G C. Each pair of pair consists of a purine and a pyrimidine, so they are the same width.
हर एक पेयर किसका बना होता है, प्यूरिन्स का और पिरामिड्स का, इसलिए ये क्या होते हैं, सेम विड्थ के होते हैं। कीपिंग द टू स्ट्रैंड्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और दोनों डिस्टेंस को हमेशा सेम दूरी पे रखते हैं। तो ये जो प्यूरिन पिरामिड्स होते हैं उसके कारण हमारा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है क्लास, आज हमने इतना करा है, नेक्स्ट आगे देखेंगे।